गांव में किसी तरह की कोई योजना नहीं है, निगम बंद है, 4 साल से कुछ भी वितरित नहीं किया गया है। ऐसा कहते हुए बच्चकड़ों ने सवाल उपस्थित किया कि क्या सवा लाख में कोई घर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई सवा लाख में घर बनाएगा तो मैं अपनी दाढ़ी मूछ हटा दूंगा। और इसी श्रृंखला में हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने बातचीत की है बच्चकड़ों से, आइए डालते एक नजर। लूंगा ऐसा बोला था तो क्या ये मुद्दा था? दाढ़ी मूछ निकाल। वो निवास के बारे में था, जो आवास दी जाती है प्रधान आवास, नाम एक ही है प्रधान आवास शहर और प्रधान आवास गांव। तो शहर वालों को 2.5 लाख देते हैं केंद्र सरकार और गांव वाले को खाली 1,36,000 दिया जाता है। तो ये बहुत नाइंसाफी है। उसके बारे में हमने कहा कि अगर सरकार को अगर दिमाग है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, सिर है, तो उसने लगाना चाहिए ना। वो अगर नहीं लगाते हैं तो फिर यह इसमें अगर आप आगे नहीं आते होंगे। और ये 1.25 लाख में अगर कोई घर बना देता है तो मुझे बताओ, अगर बनाएंगे कोई तो मैं दाढ़ी मूछ निकाल के घूमूंगा। जल आपूर्ति को लेकर भी आपने, ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति को लेकर भी गुलाबराव पाटिल से आपने कुछ मुद्दों को लेकर बहस। 125 लीटर शहर वाले को जल दिया जाता है और गांव वाले को 55 लीटर दिया जाता है। तो ये भी नाइंसाफी है। जल के बारे में भी ऐसे करते हैं लोग, पानी प्यास, ये तो जल एक धर्म है और धर्म भी अच्छी तरह से निभा नहीं सकती सरकार। बहुत बुरी सोच है इनकी। मराठा आरक्षण को लेकर आज क्या भूमिका रहने वाली? अभी हम बताएंगे कि मराठा ही कुंभी है, कुंभी और मराठा एक ही है, जो महात्मा ज्योतिबा ने बोला था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, वो सब हम लेके जाएंगे आगे। तो हमने देखा कि विधायक बच्चकड़ू हमारे साथ थे और कल जो है सदन में उन्होंने कुछ मुद्दों को उठाया था, उसी के लेकर उन्होंने आज जो है स्पष्टीकरण दिया है। साथ ही मराठा आरक्षण के मुद्दों को लेकर आज वो सदन में अपनी भूमिका रखने वाले हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।